दुनिया में करीब 10 शहर खोजे गए हैं जहां पहले लोग रहा करते थे। वो शहर आज पानी के अंदर है, उनमें से एक है द्वारका। भगवान कृष्ण के प्राचीन शहर को केवल एक मिथक माना जाता था, लेकिन 2000 साल पुरानी खोजी गई यह खंडहर पुरानी भारतीय कहानी की याद दिलाती है। कहानी यह है कि भगवान कृष्ण के पास एक शानदार शहर था जो सोने, चांदी और कई अन्य कीमती धातुओं से बना था। शहर समृद्ध था। हालांकि भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका माना जाता था कि समुद्र में डूब गया था। ये खंडहर आधुनिक भारत में द्वारका की खाड़ी में समुद्र की सतह के नीचे 131 फीट पर स्थित है, जो भारत के सात सबसे पुराने शहरों में से एक है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। धन्यवाद।